प्रोग्रामिंग का परिचय, सीखने के उद्देश्य। इस अध्याय में यूजर निम्नलिखित सीखेंगे: कंप्यूटेशन के आधारभूत मॉडल, एल्गोरिथम्स, फ्लोचार्ट्स, प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंपाइलेशन, लिंकिंग तथा लोडिंग, टेस्टिंग तथा डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन। आधारभूत कंप्यूटेशनल मॉडल। परिचय। समस्या की परिभाषा। उपलब्ध मानकों तथा वांछित हल के आधार पर समस्या का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना इस प्रक्रिया में शामिल है। समस्या के हल का तरीका। समस्या के स्पष्ट ज्ञान होने के बाद यूजर एल्गोरिथम्स के माध्यम से समस्या का चरणबद्ध हल तय करता है। समस्या के हल के क्रम का चित्रात्मक निरूपण। इस चरण में हम एल्गोरिथम के क्रम को चित्र द्वारा फ्लोचार्ट के रूप में निरूपित करते हैं। फ्लोचार्ट का प्रत्येक घटक किसी समस्या को हल करने के लिए एक निश्चित कार्यविधि को दर्शाता है। निश्चित क्रम को प्रोग्रामिंग भाषा में बदलना। किसी कार्यविधि प्रोसेस के चित्रात्मक क्रम को एक ऐसी भाषा में परिवर्तित करना जिसे यूजर तथा कंप्यूटर दोनों ही समझ सकें और उपयोग कर सकें, प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्राम के कंपाइलेशन के पश्चात यूजर मशीनी भाषा वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके समस्या का वांछित हल पा सकता है। एल्गोरिथम किसी समस्या का मानवीय भाषा में चरणबद्ध हल एल्गोरिथम्स कहलाता है। एल्गोरिथम समाधान कार्यविधि का पहला स्टेप होता है। समस्या के विश्लेषण के पश्चात प्रोग्रामर उस समस्या का एल्गोरिथम निर्धारित करता है। एल्गोरिथम का नमूना। किसी संख्या में अंक पलटने उल्टा करना का एल्गोरिथम। इनपुट वह संख्या जिसके अंक पलटने हैं उसे संख्या n से बड़ी या बराबर होना आवश्यक है। आउटपुट अंक पलटने उलटने वाली संख्या n है। स्टेप वन संख्या n लिखें जिसका अंक परिवर्तन करना है। स्टेप टू संख्या n के मान को m द्वारा अंकित करें। l का मान 0 लिखें। संख्या n तथा 10 के मॉडुलस ज्ञात करने के पश्चात प्राप्त शेषफल को चर k के रूप में स्टोर करें। स्टेप 3 m को 10 से विभाजित करें। l के मान को l और 10 के गुणनफल द्वारा अंकित करें तथा योगफल k में जोड़ें। स्टेप 4 यदि m 0 से बड़ा हो तो, यदि हाँ तो स्टेप 3 की पुनरावृत्ति करें, यदि नहीं तो आउटपुट संख्या n की अंक परिवर्तित संख्या l है। स्टेप 5 समाप्त। एल्गोरिथम चरणबद्ध क्रियाओं का एक समूह है जिससे किसी समस्या का हल उचित समय तथा स्टोरेज में होता है। हर एक समस्या में इनपुट डाटा तथा उसके लिए वांछित हल निहित होता है। यहाँ यह तय करना महत्वपूर्ण है कि यदि उपलब्ध डाटा समस्या के हल में वास्तव में पर्याप्त सहायक है और यदि ऐसा है तो वे विधियाँ कौन कौन सी हैं जिन्हें उस डाटा पर लागू करके वांछित हल प्राप्त किया जा सकता है। एक समस्या के हल के लिए उचित कार्यविधि को तय करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। वे क्रियाएं जो एल्गोरिथम में शामिल होती हैं उनके परिणाम का आना कंप्यूटर के हल करने की संभावनाओं पर निर्भर होता है। प्रत्येक क्रिया सुस्पष्ट हो ताकि वह समस्या का हल निकाल सके। एल्गोरिथम्स के स्टेप इतने कारगर हों कि वे सीमित समय तथा सीमित मेमोरी में संपादित हो सकें। एक एल्गोरिथम्स यथोचित कम समय में समाप्त होना चाहिए। एल्गोरिथम्स का नमूना। बस स्टॉप को जाएं, बस नंबर M7B पकड़ें, टिकट लें, बाजार के बस स्टॉप पर उतरें। एल्गोरिथम का उदाहरण। किसी संख्या का सम या विषम होना तय करना। स्टेप वन आरंभ। स्टेप टू संख्या इनपुट करें। स्टेप थ्री शेषफल बराबर संख्या मॉड दो। स्टेप फोर यदि शेषफल 0 के बराबर है तब प्रिंट करें संख्या सम है, अन्यथा प्रिंट करें संख्या विषम है। अंत। स्टेप 5 समाप्त। सुडो कोड क्या है?
सुडोकोड अंग्रेजी में प्रोग्राम लिखने का साधारण तरीका है। सुडोकोड वास्तविक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सुडोकोड में मशीनी भाषा के किसी भी कीवर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुडोकोड क्रमबद्ध कथनों की सूची के रूप में होना चाहिए। सुडोकोड में फ्लोचार्ट के चिन्हों बॉक्स का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु तीर संकेतों फ्लो लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। सुडोकोड में अभिस्थापन इंडेंशन का प्रयोग भी तर्क दिखाने के लिए हो सकता है। सुडोकोड की उपयोगिता यह है कि इसे परंपरागत प्रोग्रामिंग भाषा कोड की तुलना में आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही यह एक सघन तथा भाषा स्वतंत्र एल्गोरिथम का निरूपण करता है। सुडोकोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम का सारांश शीघ्र बनाने में होता है। इसमें किसी भी मानवीय भाषा का उपयोग हो सकता है। सुडोकोड का उदाहरण, प्रोग्राम आरंभ करें, लूप बनाएं, जब तक आई 10 के बराबर न हो, हेलो वर्ल्ड शब्द स्क्रीन पर लिखें, अंत, लूप से बाहर आएं। यह एक सुडोकोड है। इसे सी कंपाइलर में चलाया जाए तो यह कार्य नहीं करेगा, परंतु यह बता देता है कि कोड की रूपरेखा क्या होगी और इसे यूजर किस प्रकार से कार्यान्वित करेगा। सुडोकोड का उदाहरण, यदि छात्र के प्राप्तांक 60 से ज्यादा हो या 60 हो तो उत्तीर्ण प्रिंट करें, अन्यथा अनुत्तीर्ण प्रिंट करें, अंत। फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट क्या होता है? फ्लोचार्ट में विभिन्न चरणों का चित्रात्मक निरूपण होता है जो उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। फ्लोचार्ट यह बताता है कि चरणों को किन तार्किक कर्मों में लागू करना है। फ्लोचार्ट में बॉक्स जिन्हें चिन्ह कहते हैं तथा रेखाएं तीर जिन्हें फ्लोलाइन कहते हैं का उपयोग होता है। बॉक्स क्रियाओं को दर्शाता है तथा फ्लोलाइन क्रियाओं के अगले स्टेप को दर्शाती है। टर्मिनल बॉक्स, इस चिन्ह का प्रयोग फ्लोचार्ट के आरंभ तथा समाप्ति के लिए उपयोग होता है। जब इस चिन्ह का उपयोग आरंभ के लिए होता है तो कोई भी फ्लोलाइन इसके अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ एक फ्लोलाइन इससे बाहर निकलती है। जब इस बॉक्स का उपयोग समाप्त के लिए होता है तो इससे कोई भी फ्लोलाइन बाहर नहीं निकल सकती, परंतु अनेक फ्लोलाइंस इसमें अंदर आ सकती हैं। किसी फ्लोचार्ट में केवल एक आरंभ बॉक्स होता है, परंतु फ्लोचार्ट में एक से ज्यादा समाप्त बॉक्स हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स को एक समांतर चतुर्भुज द्वारा दर्शाते हैं। यह चिन्ह किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्य को दर्शाता है, जैसे कि कीबोर्ड या प्रिंटर। एक इनपुट आउटपुट बॉक्स या तो प्रोसेसिंग के लिए डाटा उपलब्ध कराता है या प्रोसेसिंग के फल को स्क्रीन पर दर्शाता है। प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स की बनावट आयताकार होती है। यह चिन्ह एक या एक से ज्यादा निर्देशों को इंगित करता है जो किसी प्रोग्राम की क्रियाओं को संपन्न कराता है। प्रोसेसिंग क्रियाओं के उदाहरण हैं योग, घटा, गुणा, भाग, डाटा को संग्रहित स्टोर करना या मान नियत करना। डिसीजन बॉक्स, इसका आकार समचतुर्भुज होता है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें दो मात्राओं के बीच तुलना करनी होती है। इसका उपयोग हम परिस्थितियों कंडीशंस की जांच के लिए भी करते हैं। डिसीजन बॉक्स किसी परिस्थिति के दो विकल्पों को दर्शाता है, सही या गलत, बराबर से कम या बराबर, से बड़ा या बराबर, के बराबर नहीं आदि निर्देशों का उपयोग निर्णय बॉक्स में होता है। किसी समस्या के हल के लिए एल्गोरिथम तथा फ्लोचार्ट के उदाहरण, किसी संख्या के फैक्टोरियल मान ज्ञात करने का एल्गोरिथम। स्टेप वन, आरंभ। स्टेप टू, संख्या n का मान लें। स्टेप थ्री, आरंभ करना। i बराबर एक कॉमा फैक्टोरियल बराबर एक। स्टेप फोर, स्टेप चार से छह बार बार दोहराएं जब तक आई एन के बराबर ना हो जाए। स्टेप फाइव, आई बराबर आई जमा एक। स्टेप सिक्स,
फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल गुणा आई. स्टेप 7 प्रिंट फैक्टोरियल. स्टेप 8 समाप्त. किसी संख्या के फैक्टोरियल मान ज्ञात करने की विधि का समापन. प्रोग्रामिंग भाषा परिचय. प्रोग्रामिंग भाषा चिन्हों, व्याकरण तथा नियमों का एक समूह है जिसकी सहायता से किसी एल्गोरिथम्स को प्रोग्राम में बदला जा सकता है ताकि कंप्यूटर उसे कार्यान्वित कर सके. एक प्रोग्रामर मशीन कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा संपर्क साधता है. प्रोग्रामिंग भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार हैं. ये सभी भाषाएं एक दूसरे से अपनी रूपरेखा तथा मशीन से निकटता के आधार पर भिन्न होती हैं. लगभग सभी प्रोग्राम में उच्च संरचित नियमों का एक समूह होता है. प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्राथमिक वर्गीकरण इस प्रकार है. मशीनी भाषाएं, असेंबली भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषाएं. मशीन स्तरीय भाषा. मशीनी भाषा बाइनरी अंक या बाइनरी बिट्स 0 तथा 1 का एक समूह है जिसे कंप्यूटर समझता और उसकी व्याख्या करता है. मशीनी भाषा ही एकमात्र भाषा है जिसे समझने में कंप्यूटर सक्षम होता है. मशीन स्तरीय भाषा वह भाषा है जो प्रोग्रामिंग के मशीनी पक्ष का आधार प्रदान करती है, अर्थात इसमें प्रोग्रामिंग का मानवीय पक्ष नहीं होता. मशीनी भाषा बाइनरी पद्धति जिसमें अंक 0 तथा 1 होते हैं से बनी हुई है. मशीन स्तरीय भाषा सबसे निम्न किस्म की कंप्यूटर भाषा होती है. किसी प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश को एक अंकीय कोड में व्यक्त किया जाता है तथा अंकीय एड्रेसों का उपयोग पूरे प्रोग्राम में कंप्यूटर की मेमोरी में मेमोरी लोकेशन दर्शाने के लिए होता है. प्रोग्राम लेखांकन के सभी पहलू मशीन स्तरीय भाषा के प्रोग्रामर की एकमात्र जिम्मेदारी होती है. अंत में प्रोग्रामर को प्रोग्राम संबंधित सभी निदान निर्देशों तथा प्रोग्राम साधनों को उपलब्ध कराना होता है. मशीन स्तरीय प्रोग्राम में वे प्रोग्राम भी शामिल होते हैं जो माइक्रोकोड में लिखे होते हैं. उन्हें माइक्रो प्रोग्राम भी कहते हैं. माइक्रोकोड कुछ शक्तिशाली मशीन स्तरीय निर्देशों की अभिव्यक्ति को बुनियादी मशीन निर्देशों के समूह के रूप में व्यक्त कराता है. प्रत्येक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा केवल एक ही होती है जिसे किसी अनुवादक प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती और इसे हम मशीनी भाषा कहते हैं. मशीन स्तरीय भाषा प्रोग्राम जो कि प्रथम पीढ़ी के प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर संचालन के सबसे बुनियादी स्तर पर लिखे जाते हैं. क्योंकि इनके निर्देश बुनियादी क्रियाकलापों पर कार्यान्वित होते हैं अतः मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा को एक साथ मिलाकर निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं. मशीनी भाषा में निर्देशों को 0 तथा 1 के सतत समूह में कोड किया जाता है. मशीन स्तरीय भाषा के प्रोग्राम काफी जटिल होते हैं और उन्हें लिखना एक मुश्किल कार्य है. एक मशीन स्तरीय भाषा किसी एक ही कंप्यूटर के लिए होती है और उसी मशीन के द्वारा समझी जा सकती है. मशीनी भाषा के सामान्य रूप से 2 भाग होते हैं. ऑपकोड ऑपरेंड. ऑपकोड क्रिया संकेत बताते हैं कि कंप्यूटर कौन सा कार्य करेगा. ऑपरेंड स्थिति संकेत उस डाटा को उपलब्ध कराते हैं जिस पर कार्य होना है अथवा ये बताते हैं कि डाटा कहां से प्राप्त करना है या फिर कहां स्टोर करना है. इसके लाभ. मशीन स्तरीय निर्देश सीधे ही एग्जीक्यूट होते हैं. मशीन स्तरीय भाषा कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों जैसे कि मेमोरी तथा रजिस्टर का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है. मशीनी भाषा के निर्देशों का उपयोग प्रत्येक बिट्स को व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है. क्योंकि मशीन स्तरीय भाषा को कंप्यूटर सहज रूप से समझता है अतः मशीनी भाषा तेजी से कार्यवाही करती है. इसकी कमियां. प्रोग्राम करना मुश्किल. मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग एक मुश्किल कार्य है क्योंकि इनमें निर्देशों को 0 तथा 1 के सतत क्रम में बनाया जाता है जिसे समझना कठिन है. त्रुटि प्रवृत्त. मशीनी भाषा में प्रोग्रामर को एक ही साथ कई क्रियाएं
जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, निर्देश चक्र आदि का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि उसे महत्वपूर्ण तार्किक क्रियाओं से ध्यान वंचित कराता है, इसलिए गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। मशीन पर निर्भरता। चूंकि प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संरचना में अलग होता है, अतः किसी एक कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देश दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। मशीन स्तरीय भाषाओं का किसी एक मशीन पर निर्भरता के कारण इन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, अर्थात ये पोर्टेबल नहीं होती। मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने पर प्रोग्रामर की उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनी भाषा में की गई प्रोग्रामिंग में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है तथा कोड की जटिलता के कारण उसे दोषमुक्त करना भी कठिन होता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा में स्टोरेज लोकेशन को सीधे तय किया जाना चाहिए, ना कि चिन्हों के रूप में। कंप्यूटर मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग दक्षता की जरूरत होती है, जो प्रोग्रामर की ट्रेनिंग लागत को बढ़ा देती है। असेंबली स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा के लिए लिखे निर्देश समूह आवश्यक रूप से अलग अलग मशीनी भाषा के लिए भिन्न होते हैं। मशीनी भाषा की तरह असेंबली भाषा भी प्रत्येक कंप्यूटर के लिए भिन्न होती है। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा में मुख्य अंतर यह है कि असेंबली भाषा में शून्य तथा एक के सतत क्रम के स्थान पर निर्देशों को व्यक्त करने के लिए अक्षरों या चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसे निमोनिक कोड कहते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषाएं हैं जो मशीन की संरचना पर आधारित होती हैं। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रोग्रामर की तुलना में मशीन के ज्यादा निकट होती हैं। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा में एकमात्र अंतर यह है कि असेंबली भाषा का उपयोग मशीनी भाषा की तुलना में ज्यादा आसान है। एक विशुद्ध असेंबली भाषा में प्रत्येक कथन विशेष रूप से एक ही मशीनी निर्देश को दर्शाता है, अर्थात एक मशीनी निर्देश के लिए एक कथन होता है। अतः एक ऑनलाइन असेंबली भाषा एक n शब्दों वाला मशीनी भाषा प्रोग्राम निर्मित करेगी। असेंबली भाषा, जो कि निमोनिक कोड पर आधारित होती है, बाइनरी या हेक्साडेसिमल कोड के उपयोग से बनी मशीन भाषा की तुलना में ज्यादा सरल होती है। असेंबली भाषा में योग, घटा, गुणा या भाग को याद रखना मशीनी भाषा में दिए गए संख्यात्मक मूल्यों से ज्यादा आसान होता है। असेंबली भाषा मेमोरी लोकेशन के लिए सांकेतिक नामों का उपयोग करती है, जबकि मशीनी भाषा अंकीय मानों का। असेंबली भाषा बिट्स की अधिकता को सीधी जांच सकती है, परंतु एक प्रकार के उच्च स्तरीय भाषा ऐसा नहीं कर सकती है। एक असेंबली भाषा एक ही प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकती है जिसके लिए उसे लिखा गया है, जबकि उच्च स्तरीय भाषा किसी भी कंप्यूटर पर चल सकती है। असेंबली स्तरीय भाषा के लाभ। असेंबली भाषा मशीनी भाषा से ज्यादा सरल होती है। असेंबलर प्रोग्रामिंग कमियों की जांच में उपयोगी होता है। प्रोग्रामर के पास डाटा का पूर्ण लोकेशन नहीं होता। असेंबली भाषा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देती है। असेंबली स्तरीय भाषा की कमियां। असेंबली भाषा के प्रोग्राम्स सीधे कार्यान्वित एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होती है, इसलिए ये एक मशीन से दूसरी मशीन पर नहीं लिए जाते। असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय दक्षता की जरूरत होती है। उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि प्रोग्रामिंग के मानवीय तथा एप्लीकेशन पक्ष को आधार प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं एल्गोरिथम की तार्किक संरचना बनाना, विभिन्न कंप्यूटरों पर चलने की क्षमता रखना। भाषा एक मशीन स्वतंत्र तरीका है जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए निर्देशों के क्रम को दर्शाती है। एक भाषा को किसी कार्यविधि के साधारण क्रम को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए रूपांकित किया जा सकता है।
उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम की एक पंक्ति प्रभावशाली क्रियाओं का संचालन करती है जो मशीनी स्तर पर सैकड़ों निर्देशों के बराबर होती हैं। यद्यपि बहुत से प्रोग्रामर असेंबली भाषा को मान्यता देते हैं क्योंकि यह भाषा दक्षता से कार्य करती है, नई पीढ़ी की भाषाओं की शक्ति और लचीलेपन ने मानव तथा कंप्यूटर क्षमता के संदर्भ में उन्हें निम्न स्तर की भाषाओं से भी पीछे छोड़ दिया है। इसी कारण ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग अब उच्च स्तरीय भाषा में की जाने लगी है। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं बेसिक, विजुअल बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, कोबोल, फोर्ट्रान आदि। उच्च स्तरीय भाषाएं अंग्रेजी के वाक्यों की तरह ही होती हैं जो समझने तथा प्रयोग करने में सरल होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामर के ज्यादा निकट होती हैं और प्रोग्रामिंग कार्य को सरल बनाती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामर को प्रचुर निर्देशों का समूह तथा आधार उपलब्ध कराती हैं जिससे प्रोग्रामर का जीवन और भी आसान हो जाता है। इससे पहले कि एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम को किसी सीपीयू पर कार्यान्वित किया जाए, इसे मशीनी कोड में बदलना जरूरी है। प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि सी, फोर्ट्रान अथवा पास्कल आदि प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्राम लिखने में मदद करती हैं जो कुछ खास मशीनों की निर्भरता से कम या ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। ऐसी भाषाओं को ही उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है क्योंकि ये मानव भाषा के निकट होती हैं तथा मशीनी भाषा से दूर होती हैं। इसके विपरीत असेंबली भाषाओं को निम्न स्तरीय माना जाता है क्योंकि वह मशीनी भाषाओं के ज्यादा निकट होती हैं। उच्च स्तरीय भाषा के लक्षण। उच्च स्तरीय भाषाएं समझने में सरल होती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में बने प्रोग्राम्स पोर्टेबल होते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में बने प्रोग्राम में त्रुटि सुधार डीबगिंग आसान होता है और लिखा गया प्रोग्राम मशीन पर निर्भर नहीं करता। उच्च स्तरीय भाषा के लाभ। प्रोग्राम में आसानी। इसमें प्रोग्रामर रजिस्टर, पोर्ट या स्टोरेज के झंझटों से मुक्त होकर प्रोग्राम के तार्किक लक्षणों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। मशीन स्वतंत्रता। यदि अन्य कंप्यूटरों पर सामान कंपाइलर तथा लाइब्रेरी हो तो इन प्रोग्रामों को विभिन्न प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटरों पर चलाया जा सकता है। सरल रखरखाव। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम का रखरखाव असेंबली भाषा से आसान है क्योंकि इसमें कोडिंग तथा त्रुटियों की जांच बहुत ही सरल है। सीखने में सरल। निम्न स्तरीय भाषाओं की तुलना में उच्च स्तरीय भाषा को सीखना आसान है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय भाषाएं स्थिति के अनुरूप ढल सकती हैं और सहजता से लिखी जा सकती हैं। कंपाइलेशन। कंपाइलर प्रोग्राम किसी उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम साधारणतः एक प्रोग्रामर की सुविधा है और इसे स्रोत में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। एक वास्तविक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। किसी कंप्यूटर का कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को स्वतः उसी मशीन स्तरीय भाषा प्रोग्राम जिसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं में बदल देता है। इस प्रकार के कंपाइलर को सेल्फ रेजिडेंट कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तथा अंत में त्रुटियों का विवरण देते हैं। कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलर एक युक्ति है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर के लिए मशीनी निर्देशों के क्रम में बदल देता है जिससे वह विशेष कंप्यूटर के नियत कार्य को संपूर्ण कर सकता है। यूजर प्रायः कमांड लाइन पर उपलब्ध विकल्पों या सोर्स कोड में निहित निर्देशों के द्वारा कंपाइलर के कार्य को नियंत्रित करते हैं, परंतु उन्हें शायद ही कभी प्राप्त मशीनी भाषा कोड को जांचने की जरूरत पड़ती है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में बदलना ही कंपाइलेशन कहलाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। कंपाइलेशन प्रक्रिया। सी प्रोग्रामिंग भाषा के कंपाइलेशन तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्री प्रोसेसिंग। एक प्री प्रोसेसर
प्रोग्राम सी के सोर्स कोड को विस्तारित सोर्स कोड में बदल देता है, हैश इंक्लूड तथा हैश डिफाइन कथनों की प्रोसेसिंग होती है और उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कंपाइलेशन, एक कंपाइलर प्रोग्राम सी के विस्तारित सोर्स कोड को असेंबली सोर्स कोड में बदल देता है। असेंबली, असेंबली प्रोग्राम का उपयोग असेंबली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। लिंकिंग, लिंकिंग प्रोग्राम द्वारा ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल दिया जाता है। इस क्रिया में ऑब्जेक्ट कोड की इकाइयों को आपस में जोड़ दिया जाता है। लोडिंग, लोडर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड को सीपीयू पर चलाने के लिए लोड करता है। लिंकिंग तथा लोडिंग, लिंकिंग क्या है? सभी फाइलों के कंपाइलेशन के बाद उनका समागम करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना जिसको प्रयोगकर्ता प्रोग्राम चलाने के लिए प्रयोग कर सके। सी प्रोग्रामिंग भाषा में कंपाइल्ड प्रोग्राम कुछ स्टैंडर्ड प्रोग्राम की सहायता से ही सही परिणाम देते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स को लाइब्रेरी फाइल कहते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं। इसी प्रोसेस को लिंकिंग कहते हैं। लिंकिंग से प्राप्त परिणाम ही एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाने के लिए लिंकर लाइब्रेरी फाइलों को इकट्ठा करता है। लिंकर का प्राथमिक कार्य है सांकेतिक फाइलों के नामों को मेमोरी एड्रेस से बांधना। ऐसा करने के लिए यह सबसे पहले फाइल को स्कैन करता है तथा उसके बाद जोड़ने योग्य फाइलों को इकट्ठा करके एक बड़ी फाइल बनाता है। तब यह पुनः जांच करके सांकेतिक नामों को वास्तविक मेमोरी पते पर बांधता है। लिंकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ छोटी एग्जीक्यूटेबल फाइलों को मिलाकर एक बड़ी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है। लोडिंग में एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी पर लोड किया जाता है। लिंकिंग दो प्रकार की होती है, स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग कंपाइलेशन के वक्त होती है, अर्थात यह प्रोग्राम की लोडिंग से पहले होती है। स्टैटिक लिंकिंग द्वारा जिन बाहरी संकेतों का प्रोग्राम उपयोग करता है, उदाहरण फंक्शन नेम्स, उन्हें कंपाइल टाइम में सुलझाया जाता है। डायनामिक लिंकिंग रन करते समय होती है, इसलिए यह प्रोग्राम को लोड करते हुए या लोड करने के बाद होती है। डायनामिक लिंकिंग द्वारा संकेतों का विघटन लोड करते वक्त या फिर रन करते समय किया जाता है, लेजी बाइंडिंग। लोडिंग क्या है? फाइलों के कंपाइलेशन और लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल को कंप्यूटर के मेमोरी फाइल में लोडर द्वारा डाल दिया जाता है, यही लोडिंग कहलाता है। प्रोग्राम लोडिंग का अर्थ है किसी प्रोग्राम को द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी पर कॉपी करना ताकि वह रन यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ मामलों में लोडिंग सिर्फ कॉपी करना ही नहीं होता बल्कि सुरक्षा बिट्स को तय करना या फिर वर्चुअल मेमोरी तैयार करना या फिर वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को डिस्क पृष्ठों पर मैप करना। टेस्टिंग तथा डिबगिंग। परिचय, जांच में कोड में त्रुटियों को ढूंढना शामिल होता है। किसकी जांच करें? कंपाइलेशन एरर, सिंटेक्स एरर। कंपाइलर यूजर के कार्यक्रम को नहीं समझ सकता क्योंकि यह वाक्य रचना का पालन नहीं करता। कुछ सामान्य सिंटेक्स एरर इस प्रकार हैं, अनुपस्थिति या स्थान परिवर्तन या किसी एक प्रक्रिया के लिए रिटर्न टाइप की अनुपस्थिति, चर वेरिएबल, उद्घोषणा डिक्लेरेशन की अनुपस्थिति या समरूपता। त्रुटियों के प्रकार, इन त्रुटियों में शामिल है टाइप का बेमेल होना, अर्थात जब यूजर किसी चर वेरिएबल का मान देता है और उसके वास्तविक और औपचारिक मानकों के बीच बेमेल हो जाता है। रन टाइम एरर, आउटपुट त्रुटियां, ये त्रुटियां तब होती हैं जब प्रोग्राम चलता है परंतु गलत परिणाम देता है। एक आउटपुट त्रुटि प्रोग्राम के अर्थ अथवा तर्क में आई त्रुटि की तरफ इशारा करती है। अपवाद, यह त्रुटि तब आती है जब प्रोग्राम अस्वाभाविक रूप से बंद, टर्मिनेट या क्रैश हो जाता है। इसके उदाहरण हैं किसी संख्या को शून्य से विभाजित करना या फिर मेमोरी का खत्म होना। त्रुटियां प्रोग्राम के तार्किक पक्ष या फिर सिमेंटिक्स में त्रुटि की ओर इशारा करते हैं।
नॉन टर्मिनेशन त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां तब होती हैं जब प्रोग्राम उम्मीद के अनुरूप समाप्त नहीं होता, यह अनंत रूप से चलता रहता है। डिबगिंग में त्रुटियों को अलग थलग करना और उसे सुधारना शामिल होता है। टेस्टिंग और डिबगिंग प्रोग्राम के विकास चक्र के महत्वपूर्ण चरण हैं। इनको चक्र के आरंभ में ही शामिल करना सही है। यदि प्रोग्राम के प्रत्येक घटक की पूर्ण टेस्टिंग तथा डिबगिंग की जाए तो इससे एक एप्लीकेशंस की टेस्टिंग तथा डिबगिंग में काफी मदद मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन में यह सब शामिल होता है, प्रोग्राम की विशेषताएं, इसकी रचना, कोडिंग, इसकी प्रक्रिया आदि का लिखित वर्णन। अपूर्ण या अनुपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन उपयोगकर्ता तथा मेंटेनेंस प्रोग्रामर को परेशानी में डाल देता है। डॉक्यूमेंटेशन के दो मुख्य प्रकार हैं, उपयोगकर्ता के लिए डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस प्रोग्रामर के लिए डॉक्यूमेंटेशन। यह लिखित मूल पाठ व व्याख्या के रूप में होता है जो दूसरों के लिए प्रोग्राम को समझना तथा उसे बदलना आसान बनाता है। कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर डॉक्यूमेंटेशन में दी गई व्याख्या की अनदेखी कर सकते हैं। यह प्रोग्राम के चरणों तथा कार्य पद्धति की जानकारी देता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने प्रोग्रामिंग का परिचय विषय के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया है। कंप्यूटेशन के आधारभूत मॉडल, एल्गोरिथम्स, फ्लोचार्ट्स, प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंपाइलेशन, लिंकिंग तथा लोडिंग, टेस्टिंग तथा डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन।